हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आप सभी का दोबारा से कन्वर्जेंस की दुनिया में। इससे पहले भी हम अमीन चैप्टर के कन्वर्जेंस, एल्डिहाइडिडोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कन्वर्जन चार्ट हम अच्छे से करा चुके हैं, जिसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, थंबनेल भी आपको दिख रहे होंगे, उनको अच्छे से जरूर करके जाना अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। ये स्पेशली नीट के स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूं। आज हम फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अल्कोहल फिनोल की 10 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन करवा चुका हूं, उसको आप जरूर करके जाना, वहां से एक क्वेश्चन आना पक्का है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम जो सेकंड मोस्ट वेटेड चैप्टर है आपके सिलेबस का, उसके कंप्लीट नोट, उसके रिवीजन नोट्स, उसके इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, उसके असाइनमेंट्स मैं आपको देने वाला हूं, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और प्रॉपर कंप्लीट नोट्स भी देने वाला हूं, जिसमें आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से मिलने वाला है। तो वो वीडियो भी आने वाली है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आपके नीट एग्जाम में। तो आज डिस्कस करते हैं फिनोल के कन्वर्जन। देखो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ना, इन चीजों को देख के बिल्कुल डरना मत, ये मैंने अमीन से ही बताया था, बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक वे में देखना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ कलरफुल नोट्स इसके मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो देखो, फिनोल, अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फिनोल। अब सबसे पहले मैं फिनोल से क्या प्रिपेयर करना चाहूंगा, बेंजीन। फिनोल से भाई बेंजीन तक कैसे जाया जाए, देखो भाई बेंजीन हमने इतना पढ़ लिया है ना, प्रोनाउंसिएशन में भी मेरे को कई बार क्या आता है, बहन जी को मैं कई बार बेंजीन बोल देता हूँ, बहन जी, बहन जी, तो सिमिलर जोक सा बढ़िया था गुरु। बट ये जब आप फिनोल के अंदर जिंक डस्ट डालना है, क्या डालना है, जिंक डस्ट, और उसको क्या कर देना है, आपको आग जला देनी है, आग जला देनी है, जिंक डस्ट डालना है और फिनोल के अंदर आग जला देनी है, मतलब हीट का यूज करना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। अब बेंजीन से आपको बोले कि भाई टोल्यून में कन्वर्ट करो, कौन सा रिएजेंट यूज होता है बेंजीन से टोल्यून में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या यूज होता है, मिथाइल क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में, लेविस एसिड की प्रेजेंस में। AlCl3 यूज होगा, FeCl3 यूज होता है, FeBr3 यूज हो सकता है, यहाँ पे आपके लेविस एसिड यूज होंगे। तो हमने क्या करा, फिनोल से बेंजीन तक देख लिया और बेंजीन से टोल्यून तक देख लिया। आपको कोई बोले फिनोल से टोल्यून तक जाना है तो दो स्टेप में हो जाएगा। अब टोल्यून से आपको बेंजोइक एसिड तक, मतलब कि हमारा जो बेंजीन एसिड है, मतलब कि बेंजोइक एसिड जो है आपका, अब बेंजोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे, टोल्यून को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जब आप टोल्यून के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड बनता है। मैं क्यों बता रहा हूं KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि आपको टोल्यून में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया तो क्या बनेगा, तो ऐसे आपका बेंजोइक एसिड बनेगा। तो हमने यहां ये डिस्कस कर लिया। अब इसी बेंजोइक एसिड में अगर आप SOCl2 डाल दो, क्या डाल दो, SOCl2, तो क्या बन जाता है, ऐसे बेंजोइल क्लोराइड बन जाता है। मतलब बेंजीन रिंग पे अगर COCl लगाओ तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। तो यहां से आपका बेंजोइल क्लोराइड बन गया। अब ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट प्यारी सी रिएक्शन है ये हमारी, अगर बेंजोइल क्लोराइड से आपको किसके अंदर जाना है, बेंजल्टिहाइड के अंदर जाना है, तो मैंने क्या बताया था, रोजनमुंड रिएक्शन हम यूज करेंगे। रोजनमुंड में अच्छे से करा चुका हूं नेमिंग रिएक्शन, 10 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स की करवा चुका हूं, उसको जरूर जाके देखना। जब आप बेंजोइल, और वो भी फनी ट्रिक के साथ कराई है मैंने, जब आप बेंजोइल क्लोराइड में H2PdBSO4, ये रोजनमुंड रिएक्शन है, रोजनमुंड, रोज से क्या होता है, पौधा, और पौधे से क्या आ रहा है, पीडी, तो हम पीडी याद कर सकते हैं। तो H2PdBSO4 जब आप बेंजोइल क्लोराइड में डालोगे तो बेंजल्टिहाइड बन जाता है, ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। देखो हमने भी यहां से चालू करा, हमने यहां तक डिस्कस कर लिया। अब देखो, अब एक ये रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट, फिनोल जो है ना बहुत ही रिएक्टिव होता है, मतलब कि जब उसका ब्रोमिनेशन कराते हो ना तो ब्रोमीन तीनों पोजीशन पे आके लग जा रहा है। हम चाहते हैं कि एक पैरा पोजीशन पे आए या फिर ऑर्थो पोजीशन पे आए, मेटा पे आए, लेकिन ये तीनों पोजीशन पे आ जा रहा है, बहुत ही रिएक्टिव है। तो जब आप फिनोल के अंदर Br2 पानी डालते हो तो तीनों पोजीशन पे आके लग जाता है, याद रखना है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसका हम कुछ अलग मेथड यूज करते हैं ताकि वो एक ही पोजीशन पे आ पाए। तो वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट अमीन्स की रिएक्शंस में करवाया था, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट था, वहां से क्वेश्चन आना ही आना पक्की बात है, क्योंकि वो एक्सेप्शंस है, तो वो आपको जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, थंबनेल भी शो हो रहा होगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। अब देखो, अब ये एक सिंगल रिएक्शन है जिससे ना आपका बेंजोक्विनोन, मतलब कि कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, फिनोल कीटोन में, और नहीं देखोगे आपकी फिनोल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए ना, मतलब बहुत ही कम रिएक्शन है, उनमें से एक ये स्पेशल रिएक्शन है।
जिसमें हम Na2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2SO4 इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो जब आप फिनोल के अंदर ये दोनों रिएजेंट डाल देते हैं, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दोनों पोजीशन पे आ जाता है किटो ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिल या किटो ग्रुप, दोनों पोजीशन पे आकर आपका किटो ग्रुप लग जाता है। इसको बोलते हैं बेंजो क्यूनोन। क्या बोलते हैं, बेंजो क्यूनोन। रिएजेंट अच्छे से याद रखना, Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 यूज होगा। ये देख लिया हमने। अब देखो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट अभी कराइए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कौन सी, रैमर टैमर रिएक्शन और कॉलबेज रिएक्शन। रैमर टैमर, रैमर जाएगा जब तीन लोग आते हैं, और तीन लोग, ऐसा कौन सा कंपाउंड है, CHCl3 जिसमें तीन क्लोरीन होते हैं। तो वो ट्रिक से मैंने कराया हुआ, आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा। तो देखो जब आप फिनोल के अंदर क्या डालते हो, CHCl3 मतलब कि जब क्लोरोफॉर्म डालते हो फिनोल के अंदर, क्लोरोफॉर्म और एक्वासेल्युलोज डालते हो, तो क्या होता है, फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आके लग जाता है। फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आके लग जाता है, इसको हम बोलते हैं सैलिकल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिकल्डिहाइड। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको बोल देंगे कि फिनोल के अंदर आपने ये ग्रुप डाला तो क्या बना, मैच द फॉलोइंग में जनरली क्वेश्चन आता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि CHCl3 के अलावा CCl4 भी लिखाओ तो भी यही आपको प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसके अलावा इस रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज होता है, मैंने ये भी आपको बताया, क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन, ठीक है, CCl2, वो इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है। तो जब आप क्लोरोफॉर्म एक्वासेल्युलोज डालते हो सैलिकल्डिहाइड बन जाएगा। ये थी आपकी रैमर टैमर रिएक्शन। अब आ जाती है कॉलबेज रिएक्शन। सिमिलर है, फर्स्ट स्टेप में NaOH डालना है, दूसरे स्टेप में इसमें डालेगा CO2, और उसको क्या करना है, अपने को क्या, पानी डाल देना है, लेकिन कौन सा पानी डालना है, एसिडिफाइड पानी डालना है। तो हमने क्या करा, सेकंड स्टेप में CO2 और एसिडिफाइड पानी डालोगे तो इस पे भी ऑर्थो पोजीशन पे आके आपका CO(OH) ग्रुप लग जाता है, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैलिकलिक एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भाई, जब आप डाल रहे हो क्या, रैमर टैमर रिएक्शन करा रहे हो, क्या डाला आपने रैमर टैमर में, CCl क्लोरोफॉर्म डाला और NaOH डाला, तो ऑर्थो पोजीशन पे आके CHO ग्रुप लगा। इसमें हमने NaOH डाला, CO2 डाला, एसिडिफाइड हाइड्रोलिसिस कराया, तो ऑर्थो पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप आके लग गया, CO(OH) ग्रुप आके लग गया, और इसको बोलते हैं सैलिकलिक एसिड। अब आपने देखा कि भैया दोनों पोजीशन पे ऑर्थो पे क्यों लगा, पैरा पे क्यों नहीं लगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, बड़ा ही क्या है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, बड़ा प्यारा इफेक्ट है, क्या ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ना, कुछ अच्छा इफेक्ट आ रहा है, शक्ति मिल रही है, तो ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। इसलिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसकी वजह दोनों में, इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। अब ये जो सैलिकलिक एसिड है, इस सैलिकलिक एसिड का जो एसिटाइलेशन कराओगे, क्योंकि इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड जब आपके इसके अंदर डालोगे, क्या डाला, इथेनोइक एसिड एनहाइड्राइड, तो यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो आपका होता है ना, यहाँ से एक ओ और CH3CO यहाँ पे आके लग जाता है, OCOCH3 यहाँ पे ये ग्रुप आके लग जाता है, यहाँ पे COOH ऐसे का ऐसे, इसको हम बोलते हैं एस्प्रिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड है, जो पेन, एज अ पेन किलर हम यूज करते हैं जिसको, तो ये बहुत अच्छे से याद करना है। इसको भी मैंने नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक में बहुत अच्छे से कराया था, तो वो वीडियो बहुत जरूरी है आपके लिए देखनी। तो हमने ये पार्ट कवर कर लिया मोस्टली, अब हम इस तरफ आए। अब देखो इस बेंजीन के अंदर जब आप नाइट्रेशन भाई सबको कराना आता है, कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालो, कंसेंट्रेटेड HNO3 डालो, तो क्या होगा, यहां से जो NO2 है ये ग्रुप आके लग जाएगा, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे आके लग गया, नाइट्रो बेंजीन बन गया। अब इस नाइट्रो बेंजीन का रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन कैसे भाई, SNHCl डाल दो तो रिडक्शन हो जाएगा, SNHCl डाल, लेकिन HCl कंसेंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने NO2 डाला, कंसेंट्रेटेड HCl। अब इसका जैसे ही आप NO2 का रिडक्शन करते हो, तो भाई NO2 का रिडक्शन में क्या होगा, ये O की जगह H2 आके लग जाएंगे, दो O2 हटाओ H2 लगा दो, तो इसको हम बोलते हैं बड़ा प्यारा कंपाउंड होता है एनिलीन। क्या होता है, एनिलीन। अब इस एनिलीन का हम वो करा देंगे जो बहुत ही कॉमन है, मतलब बहुत पढ़ोगे आप उसके बारे में, और मैंने भी अमीर चैप्टर में बहुत पढ़ा है। क्या करेंगे हम, इसका डायजिटाइजेशन करा देंगे, क्या डालेंगे इसके अंदर, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब बिल्कुल ठंड में, ठीक है। तो जब आप एनिलीन के अंदर NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर डालते हो ये कंपाउंड, तो इसपे N2Cl आगे लग जाता है, क्या लग जाता है, N2Cl ग्रुप आगे लग जाता है इस ग्रुप पे, और इसको हम बोलते हैं BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिसका मैंने पूरा कन्वर्जन चार्ट आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है, और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। अब इस BDC के अंदर जब आप वार्म वाटर डाल दो, मतलब ये BDC जो होता है ना N2Cl, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है,
मतलब थोड़ा सा पानी डालो या थोड़ी सी आग दिखाओ, टूट जाएगा। तो हमने क्या करा, वार्म वाटर मतलब गर्म, वो कहते हैं ना गुनगुना पानी, आपने जैसे इस NaBDC के अंदर गुनगुना पानी डाला ना, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट, मतलब फिनोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिनोल में कन्वर्ट हो गया जैसे आपने इसके अंदर गुनगुना पानी डाला। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि एनिलीन के अंदर हम ऐसा क्या डालते हैं जो आपका फिनोल बन जाता है। तो पहले हम ये कराते हैं डायजिटाइजेशन, फिर वार्म वाटर डालते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिनोल के अंदर जब आप NaOH डालते हो ना, तो ये सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब सोडियम फिनोक्साइड में हम जनरली क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सोडियम फिनोक्साइड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में ना मोर रिएक्टिव होता है फिनोल से, इसलिए हम इसको ना कन्वर्ट करते हैं। मैंने नेमिंग रिएक्शन में भी कराया था ये। अब NaOH डालोगे इसके अंदर तो ये क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड। दोबारा HCl डाल दो तो क्या हो जाएगा भाई, दोबारा फिनोल बन जाएगा। तो ये याद रखना है, बेस डालोगे तो क्या बन जाएगा, फिनोक्साइड। दोबारा एसिड डाल दोगे तो फिनोल बन जाएगा। अब ये देखो रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट, यहां पे एक स्टेप और था, यहां पे आप CH3Cl, जब आप इस सोडियम फिनोक्साइड में CH3Cl डालते हो ना, तो यहां से ये Cl और Na+ निकल जाते हैं, NaCl निकल जाएगा और ये CH3 यहां के लग जाएगा और बन जाएगा NeSol। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जी, जब आप सोडियम फिनोक्साइड में CH3Cl डालोगे तो NeSol बन जाएगा। अब NeSol से दोबारा फिनोल तक कैसे, सिंगल रिएजेंट है जो ऐसा कर सकता है, HI, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा, यहां से आपका ये जो ग्रुप है ना, CH3 हट जाएगा, CH3I निकल जाएगा और यहां से H यहां पे आके लग जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, प्यारा भी है, तो इसको बड़े अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो फिनोल में जब आप NaOH डालोगे तो सोडियम फिनोक्साइड, इसमें CH3Cl डाला NeSol, वापस जाना है तो HI। तो ये बड़े अच्छे से याद रखना है। तो हमने ये कवर कर लिया मोस्टली मैंने यहाँ पे अब सारा कवर कर लिया है। तो ये थे आपके फिनोल के कन्वर्जन्स, बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इनको कर लेना। आपको कन्वर्जन चार्ट दे रखा है, वहां से इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाना। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, मेरे को कमेंट सेक्शन में, आपका भाई आपका साथ है जब तक आपका पेपर नहीं होता, और पेपर के बाद भी हम साथ में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी आपका हम कॉलेज रिलेटेड एडमिशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना वीडियो। देखो इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए, एक लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट।